फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में व्हाइल लूप के बारे में बहुत सारे एग्जांपल कर ली, हमने बहुत सारे एक्सरसाइज की। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि फॉर लूप क्या होता है। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि कोई भी लूप हो ना, उसमें तीन चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। इनिशियल स्टेटमेंट कि हमारी कंडीशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पर एंड होगी, या उसको इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। उसके लिए क्या करना है, अब मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप का छोटा सा एक प्रोग्राम लिखता हूँ। उसमें क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि वन से टेन तक के नंबर को प्रिंट करना है। अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, ये चीज़ यहाँ से क्या करता है, पहला जो होता है ना यहाँ पर, वो होता है हमारा इनिशियल स्टेटमेंट आई। मैं इनिशियल स्टेटमेंट क्या है, वन है ना, अब ये कॉमा, यानी इसको सेपरेट कोई और वैल्यू है। अब इसके बाद क्या है, कहाँ तक हमने एंड करना है, हमने एंड करना है टेन तक, लेकिन ये नाइन तक प्रिंट करेगा। नाइन तक क्यों प्रिंट करेगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। और तीसरी बात क्या है, हमने यहाँ पर कितने स्टेप मतलब आगे चलना है। जैसे जैसे ये देखो, ये वन है, वन में हम कितने स्टेप आगे जाएंगे। ए अगर यहाँ पर दिखता हूँ तो दो इसमें ऐड होंगे तो क्या होगा, तीन आ जाएगा हमारा, फिर पाँच आ जाएगा। तो इस तरह से अब मैं चाहता हूँ कि एक हम स्टेप आगे चलें। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब इसके अंदर जाते हैं हम फॉर लूप के। अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ लिखता हूँ कि प्रिंट, वो प्रिंट कर दे किस चीज़ को, आई को प्रिंट कर दे। अब मैं इसको बस यहाँ तक, ये इसका क्या है प्रोग्राम है। अब देखिए, ये वन से लेकर नाइन तक प्रिंट कर देगा। अब मैं इसको राइट क्लिक करके ना, जैसे इसको रन करता हूँ तो देखिए, ये वन से लेकर, ये देखिए वन से लेकर कहाँ तक, नाइन तक प्रिंट किया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको क्या, मैंने पहले आपको बताया था एंड लिख के ना इसको एक रो में कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। ये देखें, वन से लेकर कहाँ तक है, नाइन तक। अब हमने क्या करना है, एक स्टेप आगे लेना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर टेन तक प्रिंट करना है तो हमें यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्यारह, इलेवन। अब मैं जैसे अब राइट क्लिक करके इसको रन करूँगा तो देखें यहाँ से क्या होगा, वन से लेकर कितने तक, टेन तक, ये आ गया फॉर लूप। इसी तरीके से हम व्हाइल लूप के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ या हम कर चुके हैं। अब उसमें देखो, मैं इसको कमेंट करता हूँ कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अब देखिए व्हाइल लूप में कैसे करना है। व्हाइल लूप में हमने पहले प्रीवियस वीडियो में किया था कि आई इज इक्वल टू वन इनिशियल वैल्यू। अब कहाँ तक एंड करना है, मैं कहता हूँ कि एन इज इक्वल टू है टेन के ऊपर, ठीक है, टेन है। अब मैं क्या लिखता हूँ वहाँ पर, वाइल आई, यहाँ पर क्या कहते हैं, कंडीशन देते हैं। कंडीशन हमारे क्या है कि आई या छोटा हो या बराबर हो किस चीज़ के, टेन के। अब यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट आई, आई को प्रिंट करवा दे और मैं यहाँ पर एंड लिख देता हूँ, एंड लिख के। अब मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके ना इसको जैसे रन करूँगा तो ये देखें, ये हमने देखो एक और चीज़ हम भूल गए, क्या भूल गए, यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं बताया कि क्या कितने का हम इंक्रीमेंट करना है और कितने का डिक्रीमेंट करना है। तो ये मैं क्या कहता हूँ कि आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा, राइट क्लिक करके रन करूँगा मैं, तो ये देखें दोस्तों, तो ये जितना भी ये है, ये देखिए ये आ गया ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो ये एक बेसिक था, बेसिक के फॉर लूप में हम उसी प्रोग्राम को कैसे कर सकते हैं और व्हाइल लूप में उसी प्रोग्राम को कैसे कर सकते हैं। तो ये था बेसिक। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इसमें और ऐड करेंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।